नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन रामजी जाधव आरआरजे। आज हम बात करने वाले हैं, आपको समझ ही गया होगा जो कि मैंने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, हम आज बात करने वाले हैं एक्शन फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म की। अगर बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं कि शुड हैव आ गया तो एक्शन फर्स्ट फॉर्म लगाऊं कि थर्ड फॉर्म लगाऊं कि सेकंड फॉर्म लगाऊं, शुड आ गया तो कौन सी फॉर्म लगाऊं, ये कैसे समझ में आया, कैसे पता करें हम इसके बारे में। सो दोस्तों कंफ्यूज ना हो, मैं आपको बताने जा रहा हूं इसी के बारे में। देखिए यहां पे लिखा हुआ है शुड बेचारा अकेले बैठा हुआ है तो इसीलिए उसके साथ आएगी एक्शन फर्स्ट फॉर्म जो कि शो करता है प्रेजेंट और आपका फ्यूचर भी। मुझे कल जाना चाहिए, मुझे आज जाना चाहिए, शुड 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 एक्शन फर्स्ट फॉर्म। लेकिन यहाँ पे देखिए मेंशन है शुड हैव, लेकिन देखिए यहाँ पे शुड हैव है तो शुड के साथ में हैव आ गया है जो कि शो कर रहा है पास्ट को, मुझे जाना चाहिए था, मुझे जाना चाहिए था शुड हैव। तो इसीलिए एक्शन थर्ड फॉर्म आना कंपलसरी यहाँ पे शुड हैव के साथ एक्शन थर्ड फॉर्म जो कि शो कर रहा है पास्ट के बारे में। एक तरफ मैंने मेंशन किया हुआ है कुड, अगर आप कहेंगे ये तो सेकंड फॉर्म है, बराबर है, कुड है कैन की सेकंड फॉर्म जो कि बता रहा है सका, मैं जा सका, पास्ट है, इसीलिए कुड अगर यहाँ पे सेकंड फॉर्म हो चुका है इसका काम, तो इसीलिए यहाँ पे एक्शन आएगी फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि एक बार सेकंड फॉर्म आ गया तो दोबारा सेकंड फॉर्म नहीं आएगा उस वाक्य में, इसीलिए यहाँ पे देखिए एक्शन फर्स्ट फॉर्म आई कुड गो, मैं जा सका। और यहाँ पे देखिए कुड हैव है, अगर फिर से हैव आ गया, कुड के साथ हैव सकता था एक्शन थर्ड फॉर्म, कुड है यहाँ पे एक्शन फर्स्ट फॉर्म, एंड यहाँ पे देखिए कुड हैव आ गया, कुड के साथ फिर से हैव आ गया है तो यहाँ पे एक्शन थर्ड फॉर्म हैव जैसे ही रखते जाते हैं आपको कंफ्यूजन नहीं रखना चाहिए। यू हैव टू जस्ट थिंक अबाउट दैट इट कुड बी ऑनली थर्ड फॉर्म, व्हाट थर्ड फॉर्म विल बी देयर, एक्शन थर्ड फॉर्म। सो दोस्तों मुझे लगता है कि आपको यह समझ में आ गया होगा, अब आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, कंफ्यूजन में मत रहिए। अगर शुड हैव थर्ड, कुड हैव थर्ड, वुड हैव थर्ड, इसी बारे में सोचिए और इसको बोलने में लाइए। खाली याद करने से कुछ नहीं होगा, जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक आप बोल नहीं पाएंगे, यू विल हैव टू टॉक एंड यू विल हैव टू स्पीक। सो इसी आशा के साथ मैं आप सभी को कहता हूं बाय बाय, टेक केयर। लेकिन आप सभी से मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों कि प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।